तो टॉपिक का नाम है सर्कुलर मोशन ऑफ अ कार ऑन अ बैंक्ड रोड। हमने ये डिस्कशन की थी लास्ट टाइम कि सपोज करो आपके पास कोई साइकिल वाला है, साइकिलिस्ट है, साइकिलिस्ट ने क्या किया, अपने आप को बेंड कर लिया। पर मैंने आपको ये भी कहा था कि कार वाला क्या करेगा, गाड़ी है ये ट्रैक है, तो गाड़ी वाला तो इस तरीके से गाड़ी चला नहीं पाएगा, क्योंकि गाड़ी वाले को भी मुड़ना है तो उसको भी मुड़ना तो चाहिए ही। तो हम क्या करेंगे, हम सड़क को एक तरीके से उठा देंगे, एक तरफ से उठा देंगे, तो ये अपीयर होगा कि गाड़ी का एक हिस्सा ऊपर उठ गया। तो इस तरीके को जब आप एक सड़क के एक हिस्से को ऊपर उठा देते हैं और एक को नहीं उठाते, इसको बोलते हैं बैंकिंग ऑफ ट्रैक्स। तो आपने ट्रैक को क्या कर दिया, बैंक कर दिया। क्यों किया, ये डिस्कशन आज हम करेंगे, ठीक है यहाँ तक। लेकिन डिस्कशन करने से पहले मुझे कुछ चीज़ों के आंसर सोच के बताएं। पहला, अगर ये ट्रैक, अगर यह फ्रिक्शन नहीं है और ये ट्रैक है, तो मैंने इसको बेंड कर दिया, तो इसकी टेंडेंसी कहाँ गिरने की या स्लिप करने की, नीचे है। चलो मैंने ये चला भी नहीं, कार चली नहीं, फ्रिक्शन नहीं है, बस ऐसे ही रख दिया, कहाँ टेंडेंसी है, नीचे। फ्रिक्शन क्या करेगी, ऊपर, मानते हो। अच्छा अब दूसरा एग्जांपल लो, अगर ये ट्रैक है, आपने अगर कार रेसिंग देखी होगी तो कार रेसिंग कुछ इस तरीके से हो रही है, ट्रैक में खाली ग्राउंड है, खाली ग्राउंड के आसपास हो रही है। अगर कार पलट जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, पलट जाती है, स्लिप हो जाती है, स्किडिंग हो जाती है, तो कार कभी सेंटर पे नहीं गिरती, कार हमेशा कहाँ गिरती है, जहाँ ऑडियंस की तरफ है, टायर्स पड़े होते हैं वहाँ, अवे फ्रॉम सेंटर गिरती है। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक। तो कार जब भी घूमेगी ट्रैक में, वो कहाँ गिरने की कोशिश करेगी, अवे फ्रॉम सेंटर, क्लियर है। तो जब इस ट्रैक पे कार घूमने की कोशिश करेगी, राउंड घूमेगी, तो ये कार कहाँ गिरने की कोशिश कर रही है, अवे फ्रॉम सेंटर, ये बाहर गिरने की कोशिश करती है। तो फ्रिक्शन कहाँ करेगी, डाउनवर्ड, नीचे। फिर देखो, कार कहाँ गिरने की कोशिश करेगी, बाहर, स्लिप हमेशा बाहर की तरफ होती है, स्किडिंग बाहर होती है हमेशा, तो फ्रिक्शन कहाँ करेगी, नीचे। पहला पॉइंट क्लियर है, ठीक है। तो कार ये ट्रैक के ऊपर है, ये हमेशा कहाँ गिरने की कोशिश करेगी, अवे फ्रॉम सेंटर, बाहर, तो फ्रिक्शन कहाँ करेगी, नीचे। फ्रिक्शन का वेक्टर देख रहे हो, नीचे, कोई डाउट इसका, पहला पॉइंट क्लियर है, ठीक है। तो याद रखना, जब भी कार कभी ट्रैक में घूमेगी, उसने हमेशा बाहर ही गिरना है, सेंटर में कभी नहीं गिरती, तो अवे फ्रॉम सेंटर गिरेगी, तो फ्रिक्शन टूवर्ड सेंटर हो जाती है। तो इस केस में ट्रैक टेढ़ है, तो ट्रैक के बाहर जाने की कोशिश कर रही है, तो फ्रिक्शन नीचे एक्ट करेगी। इसका वेट क्या है, एम जी, नॉर्मल रिएक्शन क्या है, आर। तो अगर ये थीटा, तो ये एंगल भी थीटा, अगर ये थीटा वर्टिकल ऑपोजिट से ये थीटा, आर के दो कॉम्पोनेंट है, आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा। अब कार का सेंटर कहाँ मिलेगा आपको, यहाँ मिलेगा। अगर मान लो ट्रैक ऐसा उठा हुआ है, ट्रैक ऐसा था, ऐसा उठा हुआ है, तो ट्रैक ऐसा उठा हुआ है तो गाड़ी ऐसे मुड़ रही है इसका मतलब, और अगर गाड़ी ऐसे ट्रैक में मुड़ रही है तो सेंटर यहाँ पर है, सेंटर कहीं यहाँ पर है, क्लियर है यहाँ तक। तो अगर ये थीटा, तो ऑल्टरनेट एंगल से ये भी थीटा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के दो कॉम्पोनेंट है, एफ कॉस थीटा, एफ साइन थीटा। ऐसी नॉर्मल रिएक्शन के दो कॉम्पोनेंट है, आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा। तो इस डायग्राम को और बेटर बनाने के लिए ये ज़्यादा बेटर है, आप पेपर में आएगा तो ये ड्रॉ कर देना, वो कहाँ ड्रॉ करोगे, ये ड्रॉ कर देना। तो इसके अंदर कैसे ड्रॉ करना है आपने, इसके अंदर आप ऐसे ड्रॉ करेंगे कि ये कार है, बैंकिंग है, थीटा एंगल है, आर आर, और रादर ऐसे ड्रॉ करेंगे, ऐसे रहने देना। तो ये एंगल थीटा होता है, तो ये भी थीटा, आर के दो कॉम्पोनेंट है, आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा, और ये ट्रैक का सेंटर है, सेंटर के बाद ऐसे घूम रहे हैं। तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है नीचे, क्योंकि ये कार कहाँ जाने की कोशिश कर रही है, अवे फ्रॉम सेंटर, अवे फ्रॉम ट्रैक, तो फ्रिक्शन कहाँ है, नीचे। तो थीटा थीटा ऑल्टरनेट, फ्रिक्शन के दो कॉम्पोनेंट्स है, एफ कॉस थीटा, एफ साइन थीटा। तो नॉर्मल रिएक्शन के दो कॉम्पोनेंट हैं, फ्रिक्शन के दो कॉम्पोनेंट हैं। तो ऐसे केस में आर कॉस थीटा किसे बैलेंस करेगा, एम जी प्लस प्लस, क्योंकि ये एफ है, ये एफ कॉस थीटा, तो ये जो वेक्टर आपको दिखाई दे रहा है ये क्या होगा, एफ साइन थीटा, एफ कॉस थीटा, एफ साइन थीटा। तो यहाँ पर आर कॉस थीटा किसके इक्वल है, एफ साइन थीटा प्लस एम जी। तो आर कॉस थीटा किसके इक्वल है, एम जी प्लस एफ साइन थीटा। पहली क्वेश्चन क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। और दूसरी, ये सेंटर है, सेंटर की तरफ कुल मिला के कितनी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, दो, आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा। तो आर साइन थीटा
प्लस एफ कॉस थीटा, फोर्स कहाँ एक्ट कर रही है टूवर्ड्स सेंटर, और इस कार को सेंटर की तरफ जो फोर्स एक्ट करती है उसको क्या बोलते हैं सेंट्रीपिटल, और सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ एक्ट करती है टूवर्ड सेंटर, तो इस कार को सर्कल में घुमाने के लिए सेंट्रीपिटल चाहिए, और इस केस में सेंट्रीपिटल कौन एक्ट कर रहा है, ये दोनों कर रही है क्योंकि ये भी सेंटर ये भी सेंटर, तो टोटल सेंट्रीपिटल कितनी है आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा, क्या ये पॉइंट क्लियर है, इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, ये स्टेप क्लियर है यहां तक। आप इमेजिन करें एक मिनट के लिए, फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है तो ये वाला काम खत्म, तो एफ कॉस थीटा वाला काम खत्म, तो कौन प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल आर साइन थीटा, यानी कि इस केस में सेंट्रीपिटल दो दो चीजें प्रोवाइड कर रही हैं, कार का बेंड होना, बेंड होने से आर साइन थीटा फोर्स जनरेट हुई, और फ्रिक्शन का भी कंपोनेंट टुवर्ड सेंटर है, तो कुल मिला के दो दो फोर्सेज सेंट का सम सेंट्रीपिटल है। आप एक चीज देखें, अगर बाई चांस सड़क स्लिपरी है यानी कि फ्रिक्शन कम है, आपको मालूम है यहां फ्रिक्शन कम है, तो आप क्या करेंगे, आपको सेंट्रीपिटल तो चाहिए चाहिए, आप बेंडिंग ज्यादा कर देंगे, थीटा बढ़ा देंगे, थीटा बढ़ने से क्या होगा आर साइन थीटा बढ़ जाएगा, यानी कि या तो बेंडिंग ज्यादा करें जहां फ्रिक्शन कम है, और जहां फ्रिक्शन सफिशियंट है वहां बेंडिंग थोड़ी सी कम भी चले। ठीक है यहां तक, तो इसमें दो दो चीजें, बेंड होना कार का या बैंकिंग करना, मतलब कार का बेंड होना एक तरफ से, वो भी सेंट्रीपिटल में कंट्रीब्यूट कर रहा है और फ्रिक्शन भी कर रही है, तो ये नॉर्मली प्रोसेस कहाँ चलता है हिल स्टेशन में, हिल स्टेशन में जहाँ खाई है, एक तरफ पहाड़ है, खाई वाले सड़क को ऊपर उठा देते हैं, बारिश पड़ती है पहाड़ों में बहुत स्लिपरी हो जाता है, तो वहाँ पर बैंकिंग कर दी जाती है ताकि ये वाला कंपोनेंट अगर कम पड़ जाए तो कम से कम इस कंपोनेंट को तो बढ़ा सकें ताकि फोर्स कार को मिले सेंट्रीपिटल और कार प्रॉपरली सर्कल में घूम सके। हाँ, जहां फ्रिक्शन सफिशिएंट है वहां इतनी बैंकिंग करने की जरूरत नहीं है, पर अगर दोनों चीजें हो जाएंगी फिर आप सेफ हो, बैंकिंग भी कर दी पहाड़ों पे और साथ में फ्रिक्शन भी सफिशिएंट है, फिर तो कार जो है कार की वेलोसिटी तेज हो सकती है और कार तेज मूव कर सकती है बिना गिरे, क्लियर है यहां तक। और कार स्लिप होके जाएगी कहां, खाई के अंदर अवे फ्रॉम सेंटर, तो फ्रिक्शन कांट करेगा नीचे, क्लियर है यहां तक। तो ये दो इक्वेशंस क्लियर हैं, तो एक इक्वेशन ये इस इक्वेशन में आर कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा किसके इक्वल है एम जी, तो ये इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन नंबर टू, इन दोनों को डिवाइड कर लें, डिवाइड करके ये वैल्यू आ गई एम से, एम क्या हो गया कैंसल, लेफ्ट हैंड साइड में आर कॉस थीटा से न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दें तो ये टर्म आ गई, तो यहां से इसे यहां डिवाइड करेंगे आर से आर कैंसल, साइन बाय कॉस क्या है टेन, इसको इससे डिवाइड करेंगे कॉस कॉस कैंसिल तो एफ बाय आर, इसे डिवाइड करेंगे तो वन, और इसे डिवाइड करेंगे साइन बाय कॉस इज टेन, स्टेप क्लियर है यहां तक, डिवाइड कर दिया कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मुझे पता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बाय नॉर्मल रिएक्शन को क्या बोलते हैं कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू, तो इसकी जगह और इसकी जगह क्या पुट करेंगे म्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई करके वी स्क्वायर, वी का अंडर रूट आंसर, तो ये वेलोसिटी है कार की जब आपने बैंकिंग भी कर दी और जब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी प्रेजेंट है। नीट में मुझे याद है किसी साल में ये फॉर्मूला मार्क करने को आया था, अगर बैंकिंग भी है फ्रिक्शन भी है तो कार की वेलोसिटी बताओ क्या होगी, ये वेलोसिटी है, फॉर्मूला याद करो प्लीज इसका, ठीक है यहां तक, और प्रूफ करने को आएगा, प्रूफ भी हो जाएगा ये। तो इसके अंदर सपोज करो इस ट्रैक में बैंकिंग तो है, थीटा तो है, पर फ्रिक्शन नहीं है, सोचो इस ट्रैक पे, तो म्यू क्या हो जाएगा जीरो। इस फॉर्मूले में अगर म्यू को जीरो पुट करेंगे तो आपका आंसर वही आ जाएगा जो साइक्लिस्ट वाला केस था, टैन थीटा वी स्क्वायर बाय आर जी, यानी कि साइक्लिस्ट का सेम केस था, अगर बिना फ्रिक्शन के मूव करना है किसी भी गाड़ी ने बैंकिंग पे टैन थीटा वी स्क्वायर बाय आर जी, और अगर फ्रिक्शन है तो ये फॉर्मूला, क्या ये स्टेप क्लियर है यहां तक। तो इस टॉपिक के अंदर आपको क्या गिवन है, इस टॉपिक की स्टार्टिंग यहां से गिवन है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड टायर प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स, भाई वो कह रहा है सड़क है और फ्रिक्शन है वो सेंट्रीपिटल फोर्स में कंट्रीब्यूट करती है, फ्रिक्शन स्लिप करने से रोकती है और सर्कल में घूमने में हेल्प करती है। सेकेंड पॉइंट है लार्ज अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड रोड प्रोड्यूस कंसिडरेबल
वेयर एंड टीयर ऑफ द टायर्स, वो कह रहे हैं अगर फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा कर दी जाए तो आपके टायर गिर जाएंगे, धुएं निकल जाएंगे टायर के, इतनी फ्रिक्शन है। तो फिर क्या करेंगे, तो आप एक काम करें, आप लार्ज अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन मत करें, आप क्या करें थोड़ी सी बैंकिंग कर दें, फ्रिक्शन कम कर दें, चाहे जहाँ फ्रिक्शन कम है वहाँ बैंकिंग कर दें, कि बैंकिंग ऑफ ट्रैक से भी आर कॉस थीटा टूवर्ड सेंटर एक्ट करता है और वो भी सेंटीपेटल प्रोवाइड करता है। तो जहाँ थोड़ी फ्रिक्शन कम है वहाँ बैंकिंग कर दें, जहाँ फ्रिक्शन सफिशियंट है वहाँ बैंकिंग ना करें, चल जाएगा। तो पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक। तो इसके अंदर टू अवॉइड दिस, ताकि वो टायर घिस ना जाए, कर्व्ड रोड इज गिवन इंक्लिनेशन स्लोपिंग अपवर्ड टूवर्ड आउटर सर्कमफ्रेंस, उठा दिया जाता है। इसको क्या बोलते हैं, बैंकिंग ऑफ ट्रैक। तो बैंकिंग ऑफ ट्रैक में सिस्टम ऑफ रेजिंग द आउटर एज ऑफ द कर्व्ड रोड, कर्व रोड के एक एंड को ऊपर उठा देना, अबव इट्स इनर एज इज कॉल्ड बैंकिंग ऑफ ट्रैक्स, बता दिया मैंने। और एंगल ऑफ बैंकिंग, कितने एंगल से उठाया उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ बैंकिंग।